और इस फिल्म में जो मेरा शाहरुख का कैरेक्टर है वो भी उतना ही सच्चा है वो कहता है कि तुझ में रब दिखता यारा मैं क्या मुझे लगता है कि शाहरुख खान जो है वो जितना हमने सुना है और जब वो मिलता है तो ऐसे मिलता है जैसे बरसों का यार हो वो विश में मेरी डॉक्टर को कहीं मिल गया तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं रूप जी की बेटी हूँ तो उसको गले से लगा लिया और इतना उसने हालांकि उसको ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसने कहा ओ oh, तुम्हारे पिताजी की आवाज़ ओ oh माय गॉड ओ कोई ईश्वर की आवाज़ है इतना उसने वॉर्म थे उसमें ये अगर नहीं होती तो शायद मैं आज तबला ही बजाता और ये मेरा गाना सुनकर बोले अरे पाप रे तुम इतना अच्छा गाते हो इतनी अच्छी आवाज़ है तुमको तो गाना ही चाहिए तो मैंने कहा क्यों मेरे पेट पे तुम लाद रहे हो <laughs> नहीं नहीं यूं यूं ही यो ही नहीं होता है <laughs> यूं ही नहीं होता है उसके लिए पेमेंट चाहिए होती है ये दोनों खूबसूरती का राज बता <laughs> खूबसूरती का राज आजकल के जो नए सिंगर्स आ रहे हैं सर तो खासकर गजल में भी देखते हैं या फिल्मों में देखिए अब वो तलफुज पे इतना जोर नहीं देते हैं क्योंकि जब अगर आप गाना गा रहे हो और सामने माइक है कागज है और कागज में अगर आप इंग्लिश में लिखते हो गाना हिंदी गा रहे हो लेकिन इंग्लिश में अगर लिखते हो तो वो प्रॉब्लम है पहले आप लोगों ने इस पे कितनी मेहनत की मैंने तो सीखी उर्दू बचपन से हाँ उर्दू बेकार मतलब मैं एक बार दुबई गया था प्रोग्राम के लिए और ऐ, कुछ पाकिस्तानी लोग भी बैठे हुए थे प्रोग्राम में तो एक बड़े मियाँ देख रहे थे कि मैं सही अदा कर रहा हूँ जितना भी नुकह वा जो भी आ रहा है सब फिर उन्होंने एक फरमाइश भेजी मुझे उर्दू में भेज दी तो मेरी चोरी मेरी चोरी पकड़ी गई मैंने उनसे माफ़ी मांगी मैंने कहा जी ख्याल लिखा है मैं मुझे पढ़ना नहीं आता नहीं उन्होंने कहा आप गाइए जो भी गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं फिर मैं मम्मी आके मैंने एक उस्ताद जी को बुलाया और मैंने उर्दू सीखना शुरू किया तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है भाषा जो है वो तो उसी का है जुबान का जायका है इसके के मुख्तलफ़ रंग होते हैं और ईश्क जो है वो गीत और गज़लों से बयाँ करने का सबसे आसान जरिया होता है गीत और गज़ल को जिन्होंने अपनी आवाज़ से परवान दिया और औरज पर पहुँचाया उनमें से दो बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं उनसे हम आपकी बात कराएँगे लेकिन उससे पहले एक शेर सर आपको नज़र करना चाहते हैं जो आपका जो इखलाक है उसके लिए बड़ा मशहूर है आप कि सबसे मिलना सबका होना सीख लिया सबसे मिलना सबका होना सीख लिया यार कहाँ से जादू टोना सीख लिया <laughs> तो हमारे साथ रूप कुमार राठौर साहब और उनके साथ सोनाली राठौर जी हैं इस देश के दो बहुत नाचीन हस्ती हैं गज़ल को जो अपनी आवाज़ बख्शी उसे गजल को उरूज बख्शा इन लोगों ने और हिंदुस्तान पूरा देश इनको जानता है प्यार करता है आज आप लोग आए हैं और बाराबंकी में जो सूफ़ी संत हैं हाजी वारिस अली शाह उनकी दरगाह पे एक मेला लगता है जो एक शताब्दी से पहले से वो मेला लगता चला आ रहा है सर कहते हैं कि ऊपर वाला किसी को बादशाहत देता है और दुनिया की दौलत उसके कदमों में डाल देता है और कुछ फ़क़ीर कुछ संत ऐसे होते हैं पूरे सारे बादशाह उनके आगे खत्म जुगा तो ऐसा सूफी संत है जिन्होंने जिनका एक बड़ा स्लोगन मशहूर है मैम कि जो रब है वही राम है और आज के वक्त में जो ये पैगाम है वो बड़ा जरूरी है सर वहाँ पे आप आए हैं ये हमारी हाजिरी लगी है आज दरबार में तो ये उनका बुलावा है और हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि ऐसी जगह पे हाज़री देने का मौका मिला है और एक शेर है कैसर उल का कि उनके उनके क़दमों में रख दिया सर को हमने तकदेरियों बना ली है तो ये जो भी गाना बजाना जो भी भीज जो भी इज़्ज़त जो भी नवाज़ था ये सब ये सब ये बुज़ुर्गों का सदका है मतलब ये इन्हीं के आशीर्वाद है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी जगह पे जब हाज़री लगती है तो ऐसा लगता है कि ज़रूर हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे तब ये बुलावा आया है एक बच्चा जो कहते हैं जिसका बुखार होता था और तबले की थाप सुन के उनका बुखार उतर जाया करता था फिर तबले में आपने बहुत बड़ा नाम किया उसके बाद फिर गायकी की तरफ आए और पहली बार जब आप आ, का एक एल्बम निकला वो भी बड़ा हिट रहा फिर फिल्मों का जो सफ़र था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मिलना सर वो कैसे क्या हुआ था मुझे फिल्मों में गाने का कभी कोई शौक नहीं था क्योंकि मैं स्टेज पर फला बड़ा और गज़ल की उंगली पकड़ के जवान हुआ और फिल्मों से बहुत ज़्यादा मुझे नस्बत नहीं थी लेकिन ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम में शशीलाल नाहर जी जो एक फिल्म बना रहे थे अंगार जिसमें लक्ष्मीकांत पैहरलाल जी का म्यूज़िक था और आनंद बख्शी साहब थे और उसमें लता जी के साथ में गाना था तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे फिल्म में गाना है तो गाएगा मैंने कहा जी मुझे तो फिल्मों से बहुत कोई शौक़ नहीं है बोले वो गज़ल गीत है और तुम्हें तो मज़ा आएगा गा के तो तुम लक्ष्मी जी से मिल लो जा कर के और बस यही था फिर मैं लक्ष्मी जी से मिला और वहाँ से फिर ये जर्नी शुरू हुई तो अभी तक जो है वो बहुत लोगों से प्यार मिला और मैं खुशनसीब हूँ कि जो भी गाने मिले वो बहुत अच्छे गाने मिले ए गाने हैं सारे पढ़ना ऐसा होता है ना कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए या मैं तो रिस्ते से जा रहा था भेलपुरी लकीली ऐसे गाने जो हैं वो मेरे नसीब में नहीं आए हैं और जो भी गाने मिले हैं वो बहुत ही रू से मैंने गाए हैं और वो लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं बना आप इतने बड़े घर आने से थे आपके पिताजी जो थे वो संगीत के महारथी थे आपके भाई जो है सिंगर और सब कुछ रहे तो फिर ये इतनी जद्दोजहद कैसे करनी क्यों करनी पड़ी देखिए हमारे घर में शायद ये एक, आ, एक रिवाज है कि हमारे पिताजी कल्याण जी आनंद जी के गुरु थे और उस वक्त वो उनको सिखाते थे जब लक्ष्मीकांत पैरेलाल कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट हुआ करते थे तो वो जब श्रवण मेरे बड़े भाई जो नदीम श्रवण के नाम से मशहूर हुए वो जब स्ट्रगल करने लगे उनको म्यूज़िक डायरेक्टर बनना था तो मेरे पिताजी कल्याण जी भाई को कह सकते थे कि भाई कल्याण जी भाई कोई छोटी मोटी फिल्म हो तो मेरे बेटे को आप दिलवा दीजिएगा इतनी गुरु दक्षिणा जो है मैं लेकिन वो उन्होंने नहीं कहा उन्होंने कहा जो भी तुम करोगे वो अपने बलबूते पे करोगे और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग ये ना कहें कि भाई इनके भाई ने आ, इनको चांस दिया तो ये आगे बढ़ गए सबको अपनी अपनी जो है मेहनत करनी पड़ती है और स्ट्रगल करना पड़ता है तो हमने भी किया हमने भी आज तक कर रहे हैं और इसी बात की खुशी है कि जो भी किया वो अपने बलबुद्धे पे किया अरे वो नाइन्टीज़ का जब दौर था श्रवण साहब नदीम श्रवण की जोड़ी हिंदुस्तान में धूम मचा रहे थे वो भी पीरियड हुआ लेकिन उसके बावजूद आपने हमेशा बहुत सिलेक्टिव गाने गाए कम गाए इसकी क्या वजह रही नहीं जैसे मैंने कहा ना कि मेरे मुझे फिल्मों से ज़्यादा स्टेज पसंद है मैं लाइव स्टेज पर मैं जब पाँच साल का था तब से मैं स्टेज पर हूँ तो मेरे लिए एक लाइव ऑडियंस और उसके सामने गाने का एक नशा अलग है रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि एक कमरा होता है एक दीवार होती है एक माइक्रोफोन होता है और बस वो अरेंजर हाथ हिलाता है टाइमिंग देता है और आपको गाना है तो वो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है उससे लेकिन मैंने अपनी तरफ से कभी ऐसे बहुत कोशिश नहीं की कि मैं नंबर वन बन, बन जाऊं या मैं इतना गाऊं कि साल के तीन सौ गाने मेरे को मिले वैसा मैंने नहीं किया जो भी मुझे गाने मिले वो मेरी स्टाइल के गाने म्यूज़िक डायरेक्टर ने सोच के मुझे लिया है तो मैं बहुत खुश हूँ जो जितना भी गा रहा हूँ कम गा रहा हूँ लेकिन अच्छा गा रहा हूँ सर इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सबसे मशहूर जोड़ी मतलब वो धर्मेंद्र हेमा मालिनी की रही लेकिन इश्क के मामले में जो कहते हैं कि यूसुफ साहब का जो शायरा वानो साहब से जो इश्क उनका रहा वो बिल्कुल अलग रहा वैसे आप लोगों की जो जोड़ी है वो बड़ी मशहूर बड़ी हिट है नहीं तो माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह ऊपर वाला सलामत रखे आप दोनों को बड़ी खूबसूरत जोड़ी है आप लोगों की ये गायकी का जो सफ़र शुरू हुआ था आपका तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बड़ी सुना लीजिए बिल्कुल बिल्कुल ये अगर नहीं होती तो शायद मैं आज तबला ही बजाता लेकिन एक बार कहीं मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था और हॉल में जल्दी पहुंच गया था सात एक बजे नौ बजे का प्रोग्राम था तो ग्रीन रूम में बाजा पड़ा हुआ था तो बाजे पर मैं कुछ गा रहा था उतना में ये पीछे से आई और ये मेरा गाना सुन बोले अरे पाप रे तुम इतना अच्छा गाते हो इतनी अच्छी आवाज़ है तुमको तो गाना ही चाहिए तो मैंने कहा क्यों मेरे पेट पर पे तुम लाद रहे हो <laughs> मेरा तबला अच्छा चल रहा है लेकिन इसने इतना मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुमको गाना चाहिए और बहुत अच्छी आवाज़ और तुम्हारे पिताजी गाने वाले थे घराना तुम्हारा गाने वालों का है तो गाना ही चाहिए तो बस वो सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक शक्ति जो होती है वो शक्ति है सोनाली जी हमारे साथ हैं और इनके जो उस्ताद थे उन्होंने बचपन में कह दिया था नहीं भाई ये तो सिंगर विंगर बन नहीं पाएंगी और उसके बाद फिर इतनी बड़ी आप सिंगर बनी तो ये ये एक चेंज ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ नहीं ये तो बहुत पुरानी जब मैं पाँच छः साल की थी तो मेरी मदर जो थी उनको सिखाने एक आते थे शास्त्रीय गायक बम्बई में तो मैं और मेरी छोटी बहन मेरी माँ चाहती थी कि हम भी दोनों गाएं सीखे तो छोटे थे हम और वो जो गुरु आते थे मेरी माँ हमको उनके हवाले करके कहीं चली जाती थी बाहर तो जब जैसे ही वो बाहर जा जाती थी मैं उठ जाती थी लेसन से और भाग जाती थी दूसरे कमरे में तो वो जब आई मेरी माँ जब घर पे आती थी तो वो कह रहे थे कि भाई ये दोनों लड़कियाँ हैं छोटी वाली तो ठीक है सीख रही है ये बड़ी वाली का चांस ही नहीं है म्यूजिशन बनने का लेकिन मुझे बहुत शौक था बचपन से गाना सुनने का और फिर मेरी मुलाकात पंडित रिदानाथ मंगेशकर जी से हुई बचपन में ही तब उनसे मैंने सीखना शुरू किया और उसके बाद उस्ताद फयाज़ अहमद ख़ान साहब नियाज अहमद ख़ान साहब से तालीम ली और बस आज तक च, हम हर जगह से सीखते हैं उस वक्त लता जी और आशा बहुत सारे सिंगर एकदम धूम मचा रहे थे तो आपका ध्यान बॉलीवुड सिंगिंग की जगह गज़लों की तरफ क्यों गया था? नहीं ये एक इतफ़ाक़ था मतलब ये आ, मैंने सोच के नहीं ये किया था पर उस वक्त का म्यूज़िक इंडिया एक लेबल था एक म्यूज़िक कंपनी तो उन्होंने मुझे ऑफ़र करी कि एक आप गज़ल का एल्बम बनाओ आजकल गज़लें बड़ी चलती है तो मैंने एल्बम बनाया और लोगों ने पसंद किया प्रोग्राम शुरू किए मैंने अकेले तो एक बार फिर जब हिंदुस्तान में ऐसा है कि जो जिस चीज़ से आप मशहूर हो जाओ वो टैग लग जाता है कि ये गज़ल गाय का ही है और फिर मैंने ख़ास ऐसे कोशिश भी नहीं की फिल्मों में गाने की मुझे मुझे प्रोग्राम्स में मज़ा आता है और काफ़ी सारे एल्बम्स सोलो भी किए और रुप जी के साथ भी किए तो बस सिलसिला जारी है आ, साथ में गाने का सबसे ज़्यादा आप लोगों आपका मतलब फेवरेट सॉन्ग या गज़ल कौन सी रही जो आप लोगों ने साथ में गाया और आपके दिल के सबसे करीब है वो वो मेरी मोहब्बत का गुज़रा जमाना ये ये क्या तो <laughs> ये हमारी पहली गज़ल थी मतलब पहले एल्बम जो साथ में किया इशारा जी उस उसमें थी गज़ल और हम लोगों की ऑल टाइम फेवरेट है मगर बहुत सारी गज़लें गाई और अभी भी कुछ कंपोज कर रहे हैं नया हम जो आजकल के नए सिंगर आ रहे हैं या नए गाने आ रहे हैं वो आते हैं कुछ टाइम में धूम मचाते हैं उसके बाद फिर वो पता नहीं चलता तो कि ये क्या वजह हो गई वो वजह ये है मेरे हिसाब से कि आजकल के सिंगर्स उनका एक अल्टीमेट गोल होता है कि मुझे रियलिटी शो में आना है या मुझे फ़िल्मों में गाना है या मुझे यहाँ ये मकाम पर पहुँचना है कि संगीत से प्यार करना एक डिवोशन रखना ये अलग बात है तो हमें तो कभी ऐसा हमने तो कभी गोल ऐसा रखा ही नहीं ना हमारे गुरुओं से हमने ये सीखा कि भाई तुम संगीत से प्यार करो वाकई हमने बहुत प्यार आज तक करते हैं अगर आज भी रियाज़ नहीं होता है तीन चार दिन तो तबीयत ख़राब होने लगती है तो तो आज के मतलब जो भी बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड है ज़्यादा बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन सस्टेन जो सस्टेन करना चाहिए वो एक अंदर उन्हें लगाओ एक लगन और संगीत से प्यार क्योंकि फिर उसमें आप सोचते नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और अब कहाँ जाना है ये तो सफ़र है जन्म जन्म का तो वो 2020 वाला जो जमाना आ गया वो वो म्यूजिक को नुकसान पहुंचा रहा है यस बिल्कुल बिल्कुल तो आज गुरु गुरुकुल में जाके सीखने की भी अभी रही नहीं आप आपने मोटिवेशन दिया और राठौर साहब फिर उसके बाद सक्सेस हुए इनका इनका सबसे फेवरेट गाना आपको कौन सा लगता है नहीं बहुत सारे कहता <laughs> दिल खोल के <laughs> 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 नहीं नहीं बहुत सारे गाने हैं उनके आ, उनकी गजलें तो सारी मुझे बहुत पसंद है एक जो उन्होंने एल्बम किया था कैफ़ी आज़मी साहब का वो भी मुझे मेरा बहुत पसंद मेर बज़म मीर एल्बम किया था और फिल्मों में भी बहुत सारे ये तक्षक फिल्म का गाना था ए रहमान का फिर दिल को तुमसे प्यार हुआ और मौला तो ऑफकोर्स ये मतलब और ए जाते हुए लम्हों जो बहुत है। तो बहुत सारे गाने हैं अभी कई गाने तो इनको खुद ही नहीं मालूम कि इन्होंने गाए क्योंकि अभी हम एक लिस्ट बना रहे थे कुछ किसी वजह से तो मैंने सब ढूंढ ढूंढ के निकाले उनका अरे ये मैंने कब गाया तो ऐसे कई जो गाने हैं वो अच्छा एल्बम और उसके अलावा कभी ऐसा होता है आपकी बर्थडे वर्डे पे सुनाते हो गाना आपको यू ही सुनाते हो <laughs> नहीं नहीं यूं ही यूं ही नहीं होता है यूं ही नहीं होता है उसके लिए वगैरह पेमेंट चाहिए होती है जो पुराने सिंगर्स में आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन रहा है बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि इतने ज़्यादा इतने सारे हैं मैं तो पूरे वर्ल्ड के सिंगर्स को सुनती हूँ सिर्फ हिंदुस्तान नहीं और लेकिन यहाँ तो डेफिनेटली दीदी दी। लता जी आशाताई किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब और गुलाम अली साहब मेहदी हसन बेगम अख्तर फरीदा खान मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है और बाकी जो बारबरा स्ट्राइसन मुझे बहुत पसंद है वेस्टर्न कंट्रीज़ में और विटनी यूस्टन और स्पैनिश भी मेरे फेवरेट कई सिंगर्स हैं तो बहुत सुनती रहती जो नई जनरेशन उसके लिए क्या कहना है इस बारे में नहीं उनको तो सीखना ही चाहिए देखिए जिस प्रोफेशन में आप हैं आपको हिंदी लिखना आना चाहिए जो आकार होता है जो उकार होता है जो मखार होता है और जो तलफ़ होता है बहुत लोग तो मतलब अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी लड़की को सुन रहा था कि मोरा पिया मुँह से बोलत नहीं अब वो मुँह से बोलत नहीं है लेकिन वो लिखा है ऐसा है कि उगाते वो गाते वक्त वो बोली मोरा पिया मुँह से बोलत नहीं तो ऐसा भी होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये नई जनरेशन जो है वो लेकिन उनका भी कसूर नहीं है कि अभी इन दिनों गज़लों को बहुत लोग प्रमोट नहीं करते जो कंपनियां हैं गज़लों को प्रमोट नहीं करती हमारे ज़माने में तो विनस कंपनी थी पॉलीडोर थी म्यूजिक इंडिया थी एच एम वी थी तो हम लोग लकी रहे कि हमने परवीन शाकिर को भी रिकॉर्ड किया मीर तकी मीर को किया और कैफी आज़मी साहब को किया अभी आज की तारीख में अगर हम ये एल्बम लेके जाएं तो वो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा वो तो रिलीज़ भी नहीं होगा तो ये भी एक दुख की बात है तो ठीक है हम अपना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं और एक राज जानना चाहते हैं माशाल्लाह इतने बरस आप लोगों के साथ के हो गए और ऊपर वाला करे बहुत इससे भी ज़्यादा साथ आपका रहे इन दोनों की खूबसूरती का राज बता दी जाए <laughs> खूबसूरती का राज कौन सी क्रीम बताऊं? <laughs> नहीं ये जो कहते हैं ना कि जिनका दिल साफ होता है वो उनके उसका चेहरे पे उसका <laughs> हाँ बिल्कुल जो अंदर होनी एक आपकी खूबसूरती है और आप जितने प्योर सिंपल रहो तो वो आपके चेहरे पे दिखता है क्योंकि हमें तो <clears throat> मैं यही बिलीव करती हूँ कि सिम्प्लिसिटी हर चीज़ में ना चाहे वो रहन सहन हो या कहीं हम तो कहीं हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं साल में दो चार बार घूमने चले जाते हैं हमारी एक ही इकलौती बेटी है उसके साथ तो बहुत लोग हमको मिलते हैं और बाद में क्योंकि इनकी दाढ़ी से पहचान लेते हैं मैं तो बहुत सिंपल रहती हूँ लेकिन वो अरे, अरे 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 आप आप तो कितने सिंपल हो उन्होंने कहा अच्छा तो मतलब क्या करना चाहिए हमको एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए इंसान के जीवन में हमने मुझे लगता है कि जो कलाकार होता है वो जब रियाज करता है और जब उसकी जो साधना का एक तेज होता है वो भी चेहरे पे आता है जो काम में वो इतनी इबादत करता है क्योंकि ये तो इबादत, इबादत है ये तो इबादत है और जितना मतलब आप देखिए आप लता जी से खूबसूरत औरत मैंने तो नहीं देखी कितनी भी हीरोइन खड़ी हों लेकिन लता जी को देखने के बाद नज़र जो है वो ठहर जाती थी तो वो उनका एक अपना एक कला का जो उनका जो तेज था तो मुझे लगता है कि ये सब उसकी उसी की बदौलत गज़ल जब आप गज़ल गाते हैं तो उसके लिए आप अपनी नेचुरल आवाज़ रखते हैं लेकिन जब आप प्लेबैक सिंगिंग करते हैं तो उसमें उसके करेक्टर के हिसाब से बदल जाती है और ये मुझे लक्ष्मी जी ने सिखाया उनका मैंने पहला गाना गाया था तो मुझे मुझे पंडित जी कहते थे पंडित जी गुलगुलिया नहीं चाहिए एक भी गुलगुलिया वो मुर्खियों को गुलगुलिया कहते थे बोले हीरो लगना चाहिए थ्रो ऐसा आना चाहिए बिल्कुल खुली हुई आवाज़ तो वो पहला ही गाना लक्ष्मी जी की जो तालीम मिली तो उससे बहुत फर्क पड़ा वो तो जो रब दिखता है तुझमें रब दिखता है जाहिर आप देख रहे हो ख्याल में तो मैडम को रखा होगा उसके बाद आपने वो शाहरुख खान के साथ सर वो कैसा रहा था आपको हाँ उसका ऐसा हुआ कि मैंने दो गाने गाए एक तो मौला मेरे मौला और वीर जारा का तेरे लिए हमें जिए और ये फिल्म बन रही थी रब ने बना दी जोड़ी तो मुझे आदित्य का फोन आया यश के बेटे का कि गाना है और तुमको गाना है तो मैं गया जब स्टूडियो में तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है मैंने आपको इस गाने के लिए क्यों बुलाया मैंने कहा जी बताइए बोले आपके दो गाने जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन कहीं ऊपर वाले से है उसमें कोई ग्लैमर नहीं है कोई बनावट नहीं है एक प्योरिटी एक सच्चाई है और इस फिल्म में जो मेरा शाहरुख का कैरेक्टर है वो भी उतना ही सच्चा है वो कहता है कि तुझ रब दिखता यारा मैं क्या करूँ तो इस गाने को आपसे अच्छा जस्टिस और कोई नहीं कर सकता तो ऐसे वो गाना मिला मुझे ये जो जितने आज के स्टार हैं जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं इनमें सबसे टैलेंटेड और सबसे हम्बल स्टार आपको कौन लगता है मुझे लगता है कि शाहरुख खान जो है वो जितना हमने सुना है और जब वो मिलता है तो ऐसे मिलता है जैसे बरसों का यार हो वो विश में मेरी डॉटर को कहीं मिल गया तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं रूप जी की बेटी हूँ तो उसको गले से लगा लिया और इतना आ उसने हालांकि उसको ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसने कहा ओ तुम्हारे पिताजी की आवाज़ ओ माय गॉड ओ कोई ईश्वर की आवाज़ है माय लव इतना उसने वॉर्म थे उसमें तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में इतनी सादगी और बहुत ही प्यार से मिलता है जब भी मिलता है बॉलीवुड में कोई जल्दी कोई फिल्म का गाना आप गा रहे हैं या कोई एल्बम आपकी आ, आने वाली अभी इन दिनों हम लोग एक एक शो पे काम कर रहे हैं आ, मिर्जा गालिब पे हाँ उसका एक ब्रॉडवे प्रोडक्शन हमने शुरू किया है तो अभी उसके म्यूज़िक पे काम चल रहा है और आप ये सोचिए कि गालिब को अगर यश चोपड़ा बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा है ना कि वो बिल्कुल मतलब आज की जो जनरेशन को पसंद आए और रोमांस से भरा हुआ शायद तो उस काम चल रहा है वो गालिब मुख्तलिफ थे जो पहले जो हम लोगों ने देखा था गालिब साहब का या वो गालिब साहब का एक अलग पहलू एक रोमांटिक एंगल और कोशिश कर रहे हैं देखिए कैसे उसमें क्या एक्ट भी करने वाले हैं आप गालिब का रोल करूंगा हाँ तो ये बड़ा मेरे लिए भी बड़ा बहुत चैलेंजिंग है और आई लुकिंग फॉरवर्ड ये सर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है नहीं, वो ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू हो गया है और वो तो बड़े पैमाने पे होगा उसमें 25-30 आदमी होंगे और फुल सेट होगा जिस तरह आजकल ब्रॉडवे चलते हैं सर, और इसमें और कौन शामिल हो रहा है इसमें, रहा है। इसमें अभी तो म्यूजिक पे ही काम चल रहा है हाँ अभी हमने दस गजलें उनकी लेकर के उससे कंपोज़ किया है उसको थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेशन करके उसको साथ में हमने रखा हुआ है चलिए पिछला जो हम लोगों ने मिर्ज़ा गालिब सीरियल देखा था उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब की ज़बरदस्त एक्टिंग हम लोगों ने देखी उसके अलावा उसमें जो एक जगजीत सिंह साहब का वो एक झरना बह रहा था लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उतना ही मज़ा आएगा और जब रूप कुमार अठौर साहब को हम लोग सुनेंगे तो इंशाल्लाह उसी तरीके से ज़रूर झरना बहता हुआ मिलेगा और बहुत बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा दोनों से बात मिलते हैं शुक्रिया बहुत शुक्रिया